हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भुट्टे की पकौड़ी की रेसिपी। इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नया वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना। भुट्टे की पकौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर भुट्टे ले लिए हैं, ये स्वीट कॉर्न है। आपके पास इस तरह कॉर्न नहीं है तो जैसे भी देसी कॉर्न भी मिलता है या फिर फ्रोजन कॉर्न भी आप ले सकते हैं। अब इसका मैंने दाने को अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह मैंने भुट्टे के दाने को अलग कर ली हूँ और थोड़ा सा भुट्टे के दाना अलग से मैं रख दूँगी। अभी इसको हम पीस लेते हैं। ग्राइंडर जार में भुट्टे के दाने को डाल देते हैं। दो से तीन हरी मिर्ची को टुकड़ा करके डाल देंगे। आप अपना स्वाद के हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा को काट कर डाल देते हैं। अभी इसको हम दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है। बचा हुआ जो कॉर्न है इसको साइड में रख देते हैं, बाद में हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर दरदरा सा हमने पीस लिया है, ज़्यादा स्मूद नहीं बनाना है इसको। अभी मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, जो कॉर्न में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, भुट्टे में मॉइस्चर होता है तो इसमें पानी डालना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने बारीक काट कर ले ली हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बचा हुआ कॉर्न का दाना डाल देते हैं। पकौड़ी को फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, क्रश करके डाल देते हैं। अजवाइन डालने से कोई भी पकौड़ी जो है बहुत अच्छा टेस्टी और फ्लेवर वाला बनती है, तो आप ज़रूर डालें। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। दो पिंच करीब हल्दी पाउडर डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है। हल्का सा हम लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल देते हैं। इसके जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मेन चीज़ जो हम डाल रहे हैं पकौड़ी का, जो मेन चीज़ है ये है बेसन। चार बड़े चम्मच हम बेसन डाल देते हैं, बाद में हमको लगेगा तो और डालेंगे। दो बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। इसके जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। चावल का आटा डालने से इसका क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है पकौड़ी का, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पानी लगेगा इसमें तो आप डाल सकते हैं, या फिर सूखा सूखा लग रहा है तो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा, अगर गीला गीला लगता है तो थोड़ा सा बेसन भी इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा गीला नहीं करना है बैटर को। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ दो छोटा चम्मच गरम ऑयल। गरम ऑयल डालने से कोई भी पकौड़ी क्रिस्पीनेस होती है, ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहती है। और इन सबको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। बैटर हमारा इस तरह होना चाहिए, ज़्यादा गीला गीला नहीं होना चाहिए और सूखा भी नहीं होना चाहिए। गैस के ऊपर कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से ही। ऑयल में से अच्छा हीट आ रही है तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके डाल देंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में पकौड़ी को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर का जल्दी ब्राउन हो जाएगा। अलटते पलटते हम गोल्डन ब्राउन कलर आते तक 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इस पकौड़ी को बनाना बहुत ईजी है। कम समय में परफेक्ट पकौड़ी बन के रेडी हो जाती है, कोई झंझट नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पकौड़ी में बहुत अच्छा कलर आया है, अच्छे से फ्राई भी हो गया है। अभी इन सबको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। लग रहा है ना, बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है ये हमारा पकौड़ी, बहुत अच्छा मज़े की बनी है। पकौड़ी में अच्छा क्रिस्पीनेस भी आ गया है और जो हमने भुट्टे का दाना डाले थे उसका भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखिए, ऐसे ही सारे पकौड़ी को हम फ्राई कर लेते हैं।
ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म भुट्टे की पकौड़ी बनके रेडी है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, इस बारिश के सीज़न में आप इस तरह भुट्टे का पकौड़ी बनाइए और चाय के साथ एंजॉय करिए। मैं यहाँ पर तीखी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपना मनपसंद का कोई भी सॉस या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारा पकौड़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मज़े की बनी है। तो इस तरह पकौड़ी बनाइए, खाइए और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।